नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जाइडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन आइकोव डी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला की वैक्सीन आइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश दिए हैं। ऑर्डर मिलने की पुष्टि करते हुए कंपनी ने कहा कि ये टीके सरकार 265 रुपये प्रति खुराक के दाम पर खरीदेगी, वहीं 93 रुपये प्रति डोज की मान से टीके लगाने का एप्लीकेटर खरीदा जाएगा। नाम्बिया के खिलाफ टॉस के वक्त बतौर कप्तान आखिरी T20 मैच खेल रहे विराट कोहली ने नए कप्तान को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उनके मुताबिक रोहित शर्मा ही T20 में भारतीय टीम के नए कप्तान होंगे। टॉस के वक्त विराट ने कहा कि T20 विश्व कप में टॉस की भूमिका अहम रही है। जब भी मैंने टॉस जीता है, हमने मैदान पर वही किया है जो हम चाहते थे, परिणाम भी हमारे फेवर में रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति ने 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान खेल जगत से बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। देश के 3rd सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने के कुछ समय पहले पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह नवंबर ऐतिहासिक महीना साबित होगा। इस महीने सूबे की जनता को कई ऐसी मेगा परियोजनाओं की सौगात मिलेगी जिसका इस्तेमाल वो वर्षों वर्ष करेंगे। वो ये मेगा परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद शुरू करवाया था। इस मेगा परियोजना में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मेगा परियोजनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सूबे की जनता को सौंपेंगे। बिहार में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर रहेगा। हालांकि इस दौरान सुबह में कोहरे का प्रकोप रहेगा, इसके साथ साथ सुबह और शाम में ठंड का असर भी दिखेगा। वहीं अगर बिहार के 5 बड़े शहरों के मौसम की बात करें तो यहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के कारण अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सोमवार को चेन्नई में लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों और सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। कई मार्गों पर वाहनों को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ा जा रहा है जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2021 के लिए 7 पद्म विभूषण 10 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति अभी 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों की सूची में 119 लोगों के नाम शामिल है जिन्हें ये सम्मान दिए जा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2020 के लिए 73 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे जिनमें से कुछ मरणोपरांत भी दिए गए। भारतीय सेना ने चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी सेना के खतरे का पता लगाने और इससे निपटने के लिए एक लो लेवल लाइट वेट रडार से खुद को लैस करने की मांग की है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। दरअसल चीन के साथ लगने वाली सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से निगरानी रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुरदासपुर से पार्टी के बड़े नेता रमन बहल ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। रमन बहल के आम आदमी पार्टी में जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंगलवार को ही रमन बहल कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। छठ के लिए पटना में नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया गया है। इस दौरान कई सड़कों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कुछ सड़कों पर केवल छठ व्रती के वाहन को ही इजाजत दी जाएगी। बावजूद छठ व्रतियों के वाहन भी घाट से पहले ही रोक दिए जाएंगे। गांधी मैदान में चलने वाली सिटी बसों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ेगा। मुकेश अंबानी के एंटीलिया मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल कल जिन 2 लोगों ने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछा था उनको हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि उन दोनों का मकसद सिर्फ घूमने का था, कोई उनकी मंशा नहीं थी। आपको बताते चले कि कल एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि 2 संदिग्ध लोगों ने उससे मुकेश अंबानी के घर का पता पूछा था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज सोमवार को है। तेजस्वी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट के जरिए तेजस्वी को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून तोड़ने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। डीजीपी और मुख्य सचिव को एक एक चीज पर नजर रखने और जानकारी जुटाने को कहा गया है। 16 नवंबर को होने वाली बैठक में सबकी समीक्षा होगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे। बैठक में विभागों के मंत्री और संबंधित अधिकारी भी रहेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले कर्मचारियों के लिए ठाणे महानगर पालिका ने सख्त फरमान सुनाया है। टीएमसी ने कहा है कि नगर निकाय के जिन कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं ली है, उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर पर साफ सफाई की व्यवस्था और ट्रेनों के संचालन की जानकारी ली। अचानक से वो कंट्रोल रूम भी पहुंच गए और कर्मचारियों से उनके काम के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ही चार और बिस्किट भी खाए। भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन ने समुद्र में जाल बिछाना शुरू कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को एक विध्वंसक युद्ध पोत दिया है, जिससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। चीनी सरकारी मीडिया ने बताया है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को सबसे नया और एडवांस वॉरशिप दिया है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए और बनाए गए वॉरशिप को संघाई ने एक कमीशन समारोह में पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा था। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम के सफर समाप्त होने के साथ ही IPL 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके तहत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने मुख्य कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। संजय बांगड़ RCB के अगले मुख्य कोच होंगे। वो अभी तक टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे और पिछले सीजन से पहले ही जुड़े थे। बांगड़ माइक हेसन से मुख्य कोच की जिम्मेदारी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा काशी क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्र में 650 नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जहां केंद्रीय मंत्री, राज्य प्रभारी और धर्मेंद्र प्रधान भाजपा राज्य इकाई के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,126 नए मामले सामने आए हैं, जो 266 दिनों में सबसे कम मामले हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने साझा किए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 322 लोगों की जान गई है, जिससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,61,389 हो गई है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग 22 नवंबर को दो नगर निकायों कोलकाता हावड़ा के लिए चुनाव की तारीख अधिसूचित कर सकता है। 19 दिसंबर को मतदान होने की संभावना है। अन्य नगर पालिकाओं में चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग ने सूत्रों की तरफ से जानकारी साझा की है कि कोलकाता हावड़ा नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव 19 दिसंबर को हो सकते हैं। दिवाली के बीतते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर दिन में धुंध तो रात में ठंड बढ़ गई है। इतना ही नहीं, रात में पारा भी घटने लगा है। तराई से लेकर पहाड़ तक न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के जानकारों की माने तो 15 नवंबर के बाद रात और दिन में सर्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि रात और दिन के तापमान में कम से कम 2 डिग्री कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने वाला है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अफगानिस्तान इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता में ईरान, कजाकिस्तान, किजिंग गणराज्य, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भारत मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 85% रहा। अधिकतम तापमान के मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के अनुमान है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सत्ता में आने के 2-3 साल के भीतर ही पार्टी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि हम गैरसैंण में स्थायी राजधानी के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं जुटाएंगे और सत्ता में आने के 2-3 साल के अंदर राजधानी वहां स्थानांतरित कर देंगे। T20 वर्ल्ड 2021 में टीम इंडिया का सफर खत्म होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट ने नए युग की शुरुआत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्य कोच के तौर पर रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हुआ। अब भारतीय टीम को राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में सफलता तलाशनी होगी। इस वर्ल्ड कप से निकलने के कुछ ही दिन बाद भारतीय टीम अपनी मेजबानी में न्यूजीलैंड का सामना करेगी।
भारत चीन सीमा विवाद पर हमेशा मुखर रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान स्वामी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया जो पिछले लगभग एक साल से चल रहे इस आंदोलन को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जैसी जिद्दी बनी हुई है, अगर वैसी ही जिद चीन के सामने करती तो शायद बात कुछ और होती। उन्होंने कहा यदि मोदी सरकार किसानों के प्रति 10 में से एक भाग भी चीन के सामने रखती तो शायद ये झुक सकता था। लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार से शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस मौके पर यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हालांकि इस दौरान यमुना का पानी जहरीले झाग से भरा दिखा। इसको लेकर लोग और भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर फटकार लगाई है। लोगों ने केजरीवाल सरकार को यमुना की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया है। मिजोरम के दो सबसे बड़े दिग्गज लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। भारत के सबसे पुराने कामकाजी पत्रकार और युद्ध के दिग्गज लाल बिखथांगा पचुआउ और साहित्यकार सी कमलोवा को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पुरस्कार प्राप्त हुआ। पचुआउ और कमलोवा 2020 में पद्म पुरस्कार के लिए चुने गए 141 लोगों में शामिल थे। छठ महापर्व की हलचल बिहार के सियासी गलियारे में दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भाजपा, जदयू और कांग्रेस के तमाम नेता लगातार ही छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं। व्रतियों के बीच प्रसाद और पूजा की सामग्री बांटे जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में भी छठ की तैयारियां तेज हो गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है धनु कुमार, बिहार रघुनाथ प्रसाद, दीपेंद्र कुमार, कृष्णा दुबे, मृत्युंजय कुमार, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, विपिन कुमार यादव, दीपेंद्र कुमार, ओमकार सिंह, विजय घायल, मोनू राज, जितेंद्र ठाकुर, जनार्दन सिंह, संतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून सफल हुआ है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।